हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमन आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफटॉप पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं फिर से अपने एक गार्डन की अपडेट लेके आया हूँ, ओवरव्यू जो हर महीने मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्या क्या ग्रोथ हुई है, कौन कौन से नए प्लांट हैं मेरे पास, किसकी ग्रोथ रुक चुकी है, किस प्लांट में प्रॉब्लम आ रही है, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने मैं जैस्मिन प्लांट के से। तो अगर आप लोगों ने मेरा शुरू में वीडियो देखा होगा दोस्तों, जब मैंने जैस्मिन प्लांट को रिपोर्ट किया था, तो आप लोगों को ध्यान होगा मैंने 3 प्लांट एक साथ रिपोर्ट किया था। आप देख रहे हो 1, 2 और 6 सामने 3 प्लांट है, जिसमें 2 तो रेगुलर जैस्मिन जो हमारा होता है या मोतिया कहते हैं हम, तो वो है बेला मोतिया। तो ये 2 प्लांट वो हैं जो छोटे लीव्स वाले हैं, एंड ये जो बड़े लीव्स वाले हैं जिसमें बड़े बड्स आ रहे हैं दोस्तों, ये अरेबियन जैस्मिन का है। इसके फ्लावर भी थोड़ा बड़े होते हैं, और ये देखिए इसके बड्स कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, तो ये अरेबियन जैस्मिन का है। और ये जो आप देख रहे हो बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, ये मोतिया है, लोकल जो हमारे यहाँ मिलता है जैस्मिन वो वाला है। तो फ़र्क ये होता है कि थोड़ा पेटल्स का, फ्लावर्स का साइज़ का फ़र्क होता है दोस्तों, खुशबू दोनों की सेम होती है। तो इसमें बस ये होता है कि जो हमारे रेगुलर यहाँ पे मिलता है मोतिया, उसमें फ़्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं, डेली बेस पे लगभग 10-12 फ्लावर आते हैं, और उसमें कम आते हैं फ्लावर जो बड़ा वाला आप देख रहे हो, ठीक है। उसके साथ है दोस्तों ये मेरा एक अनार का प्लांट, जिसकी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। इसमें नए नए बड्स आ रहे हैं दोस्तों, ये 2 बड्स आ रहे हैं, एक सबसे पहले बड्स ये आया था, बाकी जो इसके साथ फ्रूट थे वो रिपोर्ट करते टाइम झड़ गए थे, कुछ बचे थे वो बाद में झड़ गए थे, तो ये सारे नए आ रहे हैं। एक देख लो यहाँ पे आ रहा है, एक आप लोगों को दिखाता हूँ, छोटा सा बड है ये, देख लो ये वाला। तो इस तरह से धीरे धीरे इसके छोटे छोटे नए बड्स आ रहे हैं, नए फ्रूट लगेंगे इसमें। नीचे से इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, तो सही है। मैं इस पर टाइम टाइम से दोस्तों ये पानी से स्प्रे करता रहता हूँ, ताकि ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि गर्मी है ज़्यादा। उसके साथ दोस्तों आप लोगों से दिखाता हूँ मैं, ये बोगनविलिया की कटिंग्स लगा रखी थी मैंने, लगभग 7-8 कटिंग लगाई थी मैंने, तो जिसमें से 2 की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी चल रही है। ये देखो इसके यहाँ से नई नई ब्रांचेज आ रही हैं, इसकी भी देखो यहाँ से ब्रांच नई आ रही है, यहाँ से भी आ रही है दोस्तों, और नीचे से 2 ब्रांचेज आ रही हैं। और उसके साथ ये मैंने कुछ वेरीगेटेड वाली पतली कटिंग लगा रखी थी मैंने, इसकी प्रूनिंग की थी तो मैंने वो कटिंग लगा दी है इसमें दोस्तों, तो एक सिंगल लीव्स आ रही है आप देख रहे हो। तो बाकी ये सारे सारे नई नई शूटिंग स्टार्ट हो रही हैं इस पर। और ये मेरा फाइकस का है जो बहुत नन्ना सा है, इसको मैं बोनसाई पर्पज़ के लिए लेके आया हूँ दोस्तों, तो अभी इसको ग्रो होने देता हूँ ऐसे फ्रीली, अभी इस प्लास्टिक में ही लगा हुआ है। और ये मेरा पॉइंसेटिया का, जिसको मैंने गलत टाइम पर कटिंग कर दी थी दोस्तों, तो इसकी ग्रोथ तो खैर रुक गई है, अब इसको प्रिजर्व करके रखना है नेक्स्ट सीजन के लिए, इसको मैं फिर से कटिंग कर दूँगा, आई होप कि अच्छे से ग्रो कर जाए। और ये वाला मेरा देखो दोस्त देसी रोज़ है, जिसे मैं छोटी छोटी कलियाँ भी आ रही हैं, फ्लावर बहुत छोटे आते हैं, गर्मी का सीज़न है। और ये मेरा चेरी टोमेटो दोस्तों, तो इसकी वीडियो मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है दोस्तों, तो आप लोग नहीं देखा हो तो उसमें मेरी वीडियो देख लीजिएगा चेरी टोमेटो, इसको जब से मैंने सीडलिंग करी है उसकी 3 वीडियो बना चुका हूँ, इसमें नए नए फ्लावर्स आ रहे हैं, तो होपफुली कि इसमें फ्रूट लग जाएगा। और ये मेरा जूनिपर का प्लांट है, गोल्डन जूनिपर, गर्मी से प्रिजर्व करके रख दो, मैंने इसको ग्रीन नेट के अंदर रख रखा है। सामने तो जो रोज़ का प्लांट देख रहे हो मेरा टाइगर स्टीप रोज है, और ये वाला प्लांट जो आप देख रहे हो दोस्तों ये मेरा वो क्या रात रानी है, और ये डाइंथस सारे हैं। अब मैं आप लोगों को अपना
मिंट प्लांट दिखाता हूँ, मिंट जिसकी मैंने कटिंग लगा रखी थी, जो मार्केट से लेके आया था दोस्तों, तो मैंने इसकी कटिंग लगा रखी थी। यूज़ करके इसकी डंडियाँ मैंने लगा दिया था, तो अब देख रहे हो इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। जस्ट 5 रुपये की एक छोटा सा पुदीने का बंच लेके आया था एंड मैंने उसकी कटिंग लगा दी थी। इसकी और कोई केयर नहीं करा दोस्तों मैंने, इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, जस्ट वाटिंग करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। और ये मेरा देसी गुलाब है दोस्तों, इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है दोस्तों, आप देख लो इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और एक ये मेरा कागजी नींबू है, अभी छोटा सा प्लांट है दोस्तों कागजी नींबू का। तो ये थी इसी ग्रीन नेट के अंदर जो है, और ये मेरा वेरीगेटेड हाइबिस्कस का प्लांट है दोस्तों, इसकी लीव्स आप देख रहे हो वेरीगेटेड है, वाइट एंड ग्रीन में काफ़ी खूबसूरत लगती है दोस्तों। तो नीचे से इसका स्ट्रक्चर भी ठीक है, बाकी अभी तक इसमें कोई बर्ड आया नहीं है दोस्तों, इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। एक मेरा छोटा ये वाइट कलर का हाइबिस्कस का प्लांट है, जिसको कम वाटरिंग से देखो इसका क्या हाल हो गया, छोटे से लगभग 4 इंच के पॉट में लगा हुआ दोस्तों, तो इसमें वाटरिंग मैंने कम किया इसमें वाटरिंग, लगभग 3 टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इतना ज़्यादा इसका मिट्टी सूख जाती है क्योंकि बहुत छोटा पॉट है ये और गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं। तो फिलहाल अब मैं सूरज डूबने के बाद इसको वाटरिंग करूँगा। एंड ये मेरा एक हाइबिस्कस प्लांट है सिंदूरी कलर का, जो 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, एंड ये मेरा बोगनवेलिया हाइब्रिड बोगनवेलिया है दोस्तों। इसकी वीडियो मैंने सेपरेट भी बनाई है बहुत पहले, सबसे पहले मेरा जो बोगनवेलिया था सबसे पहले यही वाला था मेरे पास, आप देख रहे हो। इसको मैं इस तरफ रख के दिखाता हूँ दोस्तों, इस छोटे से प्लांट की खूबसूरती आप देखो दोस्तों, कितना अच्छा प्यारा लगता है दोस्तों ये देखने में। ये जो बंच में इसमें फ्लावरिंग आ रही है, इतनी खूबसूरत लगती है दोस्तों इसकी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसमें दोस्तों काटे नहीं होते, ये हाइब्रिड क्वालिटी का है, इसके फ्लावर थोड़े छोटे होते हैं दोस्तों। दोस्तों जी इसको मैंने रिपोर्ट किया था दोस्तों, इसके बॉटम पे एक जो एक केज होता है वो के प्लास्टिक का जाली होती है वो लगी हुई थी, जिसकी इसकी रूट डेवलप नहीं हो पाई थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया था। उसको फिर से रिपोर्ट किया था, सारी इसकी लीव झड़ गई थी, फिर से नई लीव्स आई हैं दोस्तों, अब इस पर फिर से ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो सबसे अच्छा मेरा बोगनवेलिया का जो प्लांट है मेरा वो ये है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरा ये प्लांट दोस्तों ये अनार की सीडलिंग का ही था दोस्तों, वो देखो इसकी अपडेट है, ये ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है, लगभग 1 फीट का ये प्लांट हो चुका है। तो अनार ऐसे ही खा के मैंने इसके सीड लगा दिया था, तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई और ये देखते देखते इतना बड़ा हो गया दोस्तों। और एक मेरा एक बोगनवेलिया वैरायटी, वेरीगेटेड वैरायटी, जिसकी लीव्स में आप 2 कलर के देख रहे हो, इसमें 2 कलर के फ्लावर भी आते हैं, फिलहाल 1 कलर के फ्लावर है, इसमें बहुत सारे फ्लावर बीच में आए थे तो सारे फ्लावर एक बार झड़ गए हैं, अब इसमें नए फ्लावर फिर से आएंगे दोस्तों। तो इसकी लीव्स दोस्तों ये वेरीगेटेड है, बस इसकी लीव्स मुझे लगता है ये सीजनल है, येलो होने लगी है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी लग रहा है, अनहेल्दी नहीं लग रहा, लेकिन लीव्स इसकी येलो हो रही हैं। वेरीगेटेड वैरायटी है मेरी ये बोगनवेलिया की, एक बोगनवेलिया है दोस्तों ये मेरा जिसमें बंच में फ्लावरिंग आती है, फिलहाल इसके फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है एंड सेम वही है जो बंच में फ्लावर आती है दोस्तों, ये इसमें कट्टे में लगा रखा है मैंने इसको। और एक मेरा ये बहुत ही सुंदर प्लांट, इसका नाम है एस्प्रगस, इसकी ग्रोथ तो जब से लाया हूँ दोस्तों इसको 3 गुना हो गई है, इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ चल रही है, हम लोग देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है दोस्तों। तो जस्ट सिर्फ इसको मैं वाटरिंग करता हूँ और कुछ भी नहीं करता, इसको
इसकी केयर मैं कोई भी केयर नहीं करता, सिर्फ वाटरिंग करता हूँ इसकी। हाँ, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। तो फिर देखिए इतना बेहतरीन इसका चल रहा है। बीच में इसके फ्लावर्स भी आए थे, इसके छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। तो इसको मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं इसको अलग से इसको प्रोपगेट जब करूंगा तो इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। एंड ये मेरा लेमन प्लांट देखने में तो काफ़ी हेल्दी है, खूबसूरत है, लेकिन सारे फ्लावर इसके झर गए थे। अब अगले सीज़न में जब इसमें फ्लावर आएंगे तो होपफुली इस पर फ्रूट लग जाएंगे दोस्तों। इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट है, आप देख रहे हो। तो इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट है दोस्तों, सारी पत्तियों के साथ इसके छोटी छोटी नई लीव्स आ रही हैं। चेरी टोमेटोज अगेन, इसमें भी दो बाल्टी में लगा हुआ है, इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों। ये मेरा चाइनीज ऑरेंज, उसके साथ भी ये सेकेंड वन, ये भी चाइनीज़ ऑरेंज है। ये चाइनीज़ गुआवा है जिसकी वीडियो सेपरेट मैंने बनाई हुई है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। और ये फाइकस पांडा है जो इसमें कट्टे में लगा हुआ है दोस्तों, इसको एज अ बोनसाई ग्रो करूँगा। इसकी वायरिंग कर दी है मैंने, तो फिलहाल इसको मैं ऐसे इसी में ग्रो होने देता हूँ। और ये मेरा एलोवेरा का प्लांट, इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, नए नए इसके बच्चे निकल रहे हैं। एंड इसके साथ ये छोटा एलोवेरा, इसी के साथ मैंने इसको निकाल के सेपरेट किया था दोस्तों। तो अब ये इसको मुझे बड़ा स्पेस इससे चाहिए, इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो अब मैं ये जो छोटे छोटे एलोवेरा हैं इनको भी मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगा निकाल के, फ़िलहाल तो इसी में रहने देता हूँ। एंड ये मेरा मॉस रोज़ है जो मैंने ट्रे में लगा रखा है, सुबह इसमें फ्लावर आते हैं, दोपहर तक इसके सारे फ्लावर मर जाते हैं। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तो नहीं चल रही खैर, लेकिन फील भी ठीक है। तो इसमें कई तरह की वैरायटी लगा रखी है मैंने एक ट्रे में। तो अब चलते हैं मेरे अगले प्लांट के ऊपर, ये बोगनवेलिया की कटिंग है दोस्तों जिसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये बोगनवेलिया की दो कटिंग है जिसमें अभी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ऑलमोस्ट आप लोग देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ, इसे कैमरे से नहीं दिख रही, बहुत छोटी सी इसमें शूट्स निकल रही हैं। और ये मेरा तुलसी का प्लांट है जो ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन अब ये फिर से सर्वाइव कर रहा है, इससे नए नए फूल आ गए हैं। और ये जंगली पौधा है दोस्तों जिसको मैंने ऐसे लगा दिया था, अब ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है मुझे। आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ये दोस्तों, जंगली पौधा। और लास्ट वन मेरा मनी प्लांट, छोटे से इसमें कंटेनर में लगा रखा है मैंने दोस्तों। ये मेरा मनी प्लांट है जिसकी बहुत सारी नए नए शूट शुरू हुए हैं, लेकिन इसको किसी चीज़ का सहारा नहीं मिल पा रहा, इसीलिए बढ़ नहीं रहा। देखो इसको मैं अलग अलग करूँगा, सेपरेट करूँगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरे गार्डन का ओवरव्यू कैसा लगा, जो प्लांट अच्छे लग रहे हों या फिर आपकी कोई क्यूरी हो किसी प्लांट के बारे में तो मुझसे ज़रूर पूछना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने और अपने पौधों का ध्यान रखिए।